गाइज, आई एम वर्षा एंड वेलकम बैक टू वर्षास लाइफ स्टाइल। सो गाइज, मैंने कुछ ज्वेलरी मंगवाई है जो मैंने फेस्टिवल सीजन के लिए मंगवाई है। जैसे कि आप जानते हो कि अभी दिवाली आने वाली है एंड उसके बाद वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाले है। सो इसीलिए मैंने कुछ अपने लिए ज्वेलरी परचेज की है। सो मैं आप लोगों के साथ इसे आज शेयर करूंगी। अगर इनमें से आपको कोई भी ज्वेलरी पसंद आए एंड आपको परचेज करना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं मेरी फर्स्ट ज्वेलरी की तरफ। सो चलिए देखते हैं इसे अनबॉक्स करके। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट ज्वेलरी सेट है जो कि मैंने सुकी ब्रांड से परचेस किया है एंड इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। सो आप देख सकते हो कि किस तरह से रैप होकर आया है, बहुत अच्छे से रैप होकर आया है एंड इसमें हमें एक ब्यूटीफुल सा चोकर मिलता है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। फेस्टिवल सीजन के लिए यह एकदम बेस्ट है एंड इसके साथ में वन पेयर ऑफ इयररिंग मिलते हैं जो कि झुमके टाइप के इयररिंग है एंड फेस्टिवल सीजन के लिए ऐसे झुमके टाइप के इयररिंग बहुत अच्छे लगते हैं, एक ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करते हैं। सो आप देख सकते हो कि कितने अच्छी क्वालिटी के इयररिंग हैं एंड चोकर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। मैंने इसे अबोव 500 रुपीज़ में परचेस किया है। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड चलिए अब मैं आपको इसे पहनकर दिखाती हूँ कि पहनने पर यह चोकर सेट कैसा लगता है। सो मुझे तो ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो गाइज, आपको फर्स्ट ज्वेलरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी सेल स्टार्ट थे तब मैंने ये जो सारे ज्वेलरी खरीदे थे जो मुझे 70-80% ऑफ में मिल चुके थे। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्सल की तरफ, देखते हैं कि इसमें हमें किस टाइप की ज्वेलरी रिसीव हुई है। मैंने सारी ज्वेलरी ट्रेडिशनल लुक एंड फेस्टिव लुक क्रिएट करने के लिए मंगाई है। सो ये इसमें दो बॉक्स मिले हैं मुझे। सो ये फर्स्ट बॉक्स ओपन करके देखते हैं कि इसमें कौन सी ज्वेलरी परचेस हुई है। सो ये ज्वेलरी भी सूखी ब्रांड से ही है एंड बबल रैप करके आई हुई है। जो इनकी जो पैकिंग है मुझे बहुत पसंद आई है, इस तरह से इससे ज्वेलरी ज़्यादा फॉल्ट भी नहीं आता ज्वेलरी में एंड ये ज्वेलरी जो है बहुत ब्यूटीफुल सी लग रही है। इसे ओपन करके देखते हैं कि रियल में ये कैसी है। सो गाइज, ये जो ज्वेलरी है मुझे थोड़ी सी ब्रेक होकर मिली है, दिखने में यह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है बट देखिए आप कि इस तरह से ब्रेक होकर मिली है। सो मैं इसे एक्सचेंज करवाऊँगी बट दिखने में बहुत ब्यूटीफुल है एंड इसका भी जो इयररिंग है ये मुझे बहुत पसंद आया है। झुमके टाइप का इयररिंग है एंड ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छी लगी मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बट डिफेक्टिव पीस मुझे परचेस हुआ है सो डेफिनेटली मैं इसे एक्सचेंज करवाऊँगी बट फिर भी मैं आपको एक बार इसे पहनकर जरूर दिखाऊंगी कि पहनने पर यह कैसी लगती है एंड इसका जो लुक है थोड़ा सा गोल्ड टाइप आ रहा है सो मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो गाइस, सेकेंड ज्वेलरी जो है वो ब्रेक होकर मिली है इसीलिए मैं इसे आपको लास्ट में पहनकर दिखाऊंगी कि यह कैसी है एंड अब चलिए हम अपना थर्ड ज्वेलरी बॉक्स अनबॉक्स करते हैं कि इसमें कौन सी ज्वेलरी रिसीव हुई है। सो इसकी भी पैकिंग कुछ इस तरह है, सारी ज्वेलरी की सेम पैकिंग है आप देख सकते हो वीडियो में एंड ये जो ज्वेलरी है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी इमेज में जब मैंने इसे देखा था, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया है। जिस तरह से यह इमेज में शो हो रही थी उसी तरह से ये रियल में भी है। आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी ज्वेलरी है, कितना प्यारा लुक है, इसका जो शाइनिंग है बहुत ही अच्छा है एंड यह बिल्कुल भी कहीं से भी डैमेज नहीं है। आप इसके इयररिंग भी देख सकते हो, वेडिंग सीजन के लिए एकदम परफेक्ट है जो कि मैंने वेडिंग के लिए रेड साड़ी पर पहनने के लिए इसे परचेस किया है। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी एंड अब इसे मैं पहनकर दिखाऊंगी कि यह पहनने पर कैसी लगती है बट रियल में ऐसे देखने पर एकदम ऑसम ज्वेलरी है ये, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। आपको ये ज्वेलरी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। सो आप देख सकते हो कि कितनी ब्यूटीफुल है ये, पूरे इसमें वर्क किए हुए है बट एक इसमें ये निकला हुआ है जो मैं फेविकॉल से चिपका लूँगी अब। सो चलिए अब इसे मैं पहनकर दिखाती हूँ।
गाइस ये मेरी लास्ट एंड फोर्थ ज्वेलरी है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ही परचेज़ की है, बट फ्लिपकार्ट में एक कनेक्टिंग ऐप था टू गुड, मैंने उससे इसे परचेज़ की है। एंड इसका जो वीडियो क्लिप है वो बाय मिस्टेकली मुझसे डिलीट हो गया, इसीलिए मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन ओनली फ़ोटोज़ में ही दे पा रही हूँ। सो इस तरह से यह कुछ दिखती है एंड मुझे ये पसंद आई है। 279 रुपीस में मैंने इसे परचेस किया है। एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी है ये, जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस पे पहनने पर बहुत अच्छी लगती है। इसके जो इयररिंग है ये झुमके वाले हैं, लेकिन इसमें इमेज में दिख नहीं रहे हैं, इसका वीडियो जो था वो डिलीट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक है जो मैंने पहन कर इसे वीडियो किया था, तो उस वीडियो में आपको ये अच्छे से देखने को मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं वीडियो में कि यह कैसी लगती है।